क्या हाल है? तो खैरियत से? तो गाइज, ये आज हम लेके आए हैं हेडफोन, तो आज हम इसे बनाएंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं, ये कुछ चीज़ें ख़राब थी इसकी, मैंने तो कबाड़े से लिया है। चेक करते हैं इसको कैसे ठीक होता है, क्या क्या ख़राब है, क्या क्या सही है। काम करते हैं, पूरा इसको बनाते हैं कि हमें ना पता लग जाए कि हेडफोन काम किस तरह से करता है और किस तरह से ये चल रहा होता है और किस किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसे पूरा खोल लेते हैं, पूरा खोलने के बाद फिर हम इसे वापस से फिट करेंगे और चेक कर करके हर चीज़ में आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से फिट करना है और किस किस तरह से इसकी सोल्डिंग करनी है और क्या क्या करना है। और मैं ऐसा कर दूंगा कि आप बच्चा भी बना लेगा इससे। तो चल रहे हैं। यहाँ पे स्क्रू दिए हुए हैं इसके अंदर, ज्यादातर हेडफोन्स में ऐसे ही स्क्रू दिए होते हैं और किसी का चेंज होता है तो आसपास ही दिए होते हैं, कोई इतना खास चेंजिंग होती नहीं है इसके अंदर। तो हम इसको यहाँ से स्क्रूज के ये खोल लेंगे। स्क्रू सारे संभाल के रखने हैं ताकि ये बाद में हमारे काम आ सके, ये फॉर्म ये स्क्रू हम संभाल के रखेंगे। चलो भाई, अरे भैया इसके तो स्पीकर की तिगड़म लकली हुई है। ये देखें, ये स्पीकर लगा हुआ था पर स्पीकर का मैग्नेट साहब जो है वो बाहर आए हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो हम इसका रेस्ट नहीं लेंगे, हम स्पीकर को इसको हटा देंगे, दूसरा स्पीकर लगा देंगे यहाँ पर। ये देखें, कॉइल में चल तो जाएगा बट ये सही वर्किंग करेगा नहीं, शोर करेगा, फिटिंग में सही नहीं आएगा। वैसे इसे हम इस तरह से लगा भी देते तो हमारा काम चल जाता, बट हम इसे निकाल लेंगे, हमें इसके ऊपर डाउट हो गया। जो मैग्नेट हमने इसका बाहर देखा ना, तो हम इसे निकाल देते हैं। पहले तो हम आयरन हीट पे लगा देते हैं कि आयरन हमारा हीट हो जाए। जब तक दूसरी वाली साइड भी ओपन कर लेते हैं। पीछे का बैक है ना, ये इसका बॉडी से अलग हो जाएगा आराम से। अच्छा, तो गाइस ये दूसरा स्पीकर हमारा कुछ बेहतर लग रहा है, सही कंडीशन में लग रहा है। तो अभी हम बहरहाल सारी चीजें ओपन कर लेंगे, हम फिर इसके बाद इसके वापस से कनेक्शन करेंगे। अच्छा,
अच्छा तो गाइस ये हमने यहाँ तक तो इसको ओपन तो कर लिया तकरीबन। अब हम इसके तमाम कनेक्शंस को अलग कर लेंगे। देखिए माइक तो इसका पहले से ही डिसकनेक्टेड है। क्यों डिसकनेक्टेड है? ये बस खराब था, इसी वजह से किसी ने कर दिया होगा। बाकी के कनेक्शन अब इसके अलग करेंगे। अच्छा ये प्लास्टिक के स्पीकर होते हैं, आप ना बड़े फटाफट इसमें ना आयरन लगा के फटाफट निकाल लिया करें। तो ये केबल हमारी बिल्कुल अलहदा हो गई, केबल हमारी अलहदा। तो इसमें देखें सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 एंड एक वायर नीचे की तरफ, एक वायर नीचे की तरफ आ रही है, बट वो पहले से ही किसी ने काटी है। दो वायर हैं, ये यकीनन माइक की वायर होंगी, तो ये किसी ने पहले से ही काटी हुई है, यानी हमसे पहले भी कोई इसके अंदर कारोबार कर चुका है। बहरहाल इसे हम यहाँ से अलहदा कर लेते हैं ताकि हमारी सारी चीजें सिंपल सिंपल नजर आए। तो ये सब हमने ओपन कर लिया। अब इसे ओपन करने के बाद हमने क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल आपने मेरे साथ साथ रहना है। ज़रा सा भी आगे पीछे भागेंगे, कोई चीज़ मिस कर देंगे, बाद में फिर मुझे मत बोलिएगा कि फरहान भाई कि भाई आपने ये सही से नहीं दिखाया। तो सबसे पहले हम अपने चीज़ें चेक कर लेते हैं कि हमारी क्या क्या चीज़ें सही हैं। नंबर वन का तो हम चेक करेंगे, ये जो इसका हेड है ना, हेड इसमें ये दो वायरें चल रही होती हैं, हर हेडफोन में चल रही होती हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है ये दूसरे वाले स्पीकर को। तो दूसरे वाले स्पीकर को जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, हमने चेक करनी है ये वायर आया कि दुरुस्त भी है या कटी हुई है। जस्ट मीटर उठाना है हमने, मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करना है, कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद हमने करना ये है, ये इसमें दो वायर है, ग्राउंड है और एक स्पीकर की पॉजिटिव है। तो एक ग्राउंड ज़्यादातर गोल्डन कलर की होती है, ग्राउंड को चेक करना है कंटिन्यूटी पे, बजर बजा रहा है कंटिन्यूटी पे, तो ये वायर दुरुस्त है। इस वायर को छोड़ दें, दूसरी रेड रेड पॉजिटिव, रेड पॉजिटिव या कोई सा भी कलर हो सकता है, आपने चेक करना है। ये देखें तो इसमें भी ये बजर कर रहा है कंटिन्यूटी पे, तो ये भी सही है। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया ख़त्म, ये हमारा हो गया चेक, ये सही है। यहाँ से यहाँ तक का वायर जो इसके अंदर से आ रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसे हटा दें। नंबर टू, यहाँ पे हमने देखा था जब एक नीचे कंटिन्यूटी भी रहेंगे भी, यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा एक स्पीकर मैग्नेट निकला हुआ स्पीकर है, ये तो यकीनन है ही खराब। हमने सिर्फ ये दूसरा वाला स्पीकर चेक कर लेना है, वही कंटिन्यूटी पे चेक कर लेना है, तो ये हमारा स्पीकर सही है।
इस स्पीकर को हमने ले लेना है, ये सही है। अभी दूसरे वाले स्पीकर हम एक और कहीं से निकाल लेते हैं किसी खराब हेडफोन से, वरना 20 to 40 rupees का ये हमारे को मिल जाता है वैसे ही। हम ये दूसरा स्पीकर लेके आ जाते हैं। अच्छा तो गाइज ये दूसरा एक स्पीकर मेरे को मिल गया है, साइज बिल्कुल सेम है इसका, तो ये इसकी जगह फिक्स हो जाएगा। बट हमने कंटिन्यूटी भी लगा के इसको चेक कर लेना, कंटिन्यूटी भी लगा के इसको भी चेक कर लेना है कि ये स्पीकर हमारा वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। तो ये स्पीकर हमारा सही है, ये स्पीकर हमारा बिल्कुल सही है, अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ तक कंप्लीट है, हमारे स्पीकर्स दोनों सही मिल गए हैं हमारे को, ये भी बिल्कुल दुरुस्त मिल गया है। इस स्पीकर को हटा लेते हैं, देखिए इसमें एक रेड वायर है माइक की और एक गोल्डन वायर है। तो रेड वायर को हम एज अ ग्राउंड यूज कर लेंगे, और नहीं रेड वायर को हम एज अ पॉजिटिव यूज कर लेंगे, और जो गोल्डन वाली वायर है हम उसको एज अ ग्राउंड यूज कर लेंगे। तो अब हमने माइक में चेक करना है, माइक में हमारी पॉजिटिव और ग्राउंड कौन सी है। तो हमने फिर यहाँ से इसको कनेक्ट करके इस जगह को क्लोज कर देंगे, हमारे यहाँ का काम फिर ख़त्म हो जाएगा। मीटर को वही कंटिन्यूटी पर रहने देना है। फिर हमने देखिए ग्राउंड जो होती है ना, जो माइनस होती है वो बॉडी के साथ शॉर्ट होती है, जो माइक की जो बॉडी है ना इसके साथ शॉर्ट होती है। इससे हमें पता चल जाएगा हमारी पॉजिटिव और ग्राउंड कौन सी। ये हमने रखी एक प्रॉब इस पर, अरे इस पर रखी, तो ये हमें पता लग गया ये वाली ग्राउंड है जो बॉडी के साथ शॉर्ट हो रहा है, जो पॉइंट बॉडी के साथ शॉर्ट हो रहा है ये हमारा ग्राउंड मिल गया, और जो पॉइंट ऐसे ही है जो बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं हो रहा ये हमारा पॉजिटिव है। हमने पॉजिटिव इसमें रेड रखा है, तो हम इसे थोड़ा साफ कर लेते पहले। है ना ये इस पॉइंट के साथ शॉर्ट है, इससे मुझे पता लग गया कि ये इसकी ग्राउंड है। हमने ग्राउंड रखी है गोल्डन वाली, और जो रेड वाली है ये हमारी माइक की पिन है। तो इसे बड़े प्यार मोहब्बत से अंदर की तरफ कर लें, ये अंदर चला जाएगा, इसे बिठा दें। बिठाने के बाद इसका कैप लगा दें, इसका कैप कहाँ है भाई, खो दिया। तो इसका हमारा कैप मिल गया, ये हमारा बिल्कुल साफ कर लेंगे तो आपकी आवाज भी बिल्कुल साफ जाएगी, जैसे कि अभी आपको आ रही है मेरी आवाज। अब आप इसके ऊपर कैप लगा,
तो ये हमारा माइक वाला सेशन, ये वाला कंप्लीट हो गया। ये माइक हमारा इसके अंदर यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब फालतू चीजें डालना, दोनों स्पीकर्स हमने चेक कर लिए और दोनों स्पीकर्स में हमने ये भी चेक कर लिया कि दोनों स्पीकर्स हमारे सेट हैं। एक जो स्पीकर था हमारा, उसका मैग्नेट निकला हुआ था, तो हमने स्पीकर उसका चेंज कर दिया। तो ये हमारे दोनों स्पीकर सेट हैं। माइक हमने चेक कर लिया था, माइक हमारा बिल्कुल सही कंडीशन में फिट हो चुका है इसके अंदर। अब हेड हम चेक कर चुके हैं कि ये दोनों वायर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो अब जो हमारा काम है ना, हमने सबसे पहले करना ये है कि हमने ये जो रेड वाली केबल है ना, ये रेड वाली केबल में स्पीकर का एक साइड में, यानी कि जो हमारी ये वाली साइड है, इस वाली साइड में अब हमने स्पीकर कनेक्ट कर देना है। तो गाइस एक साइड यहाँ पे फिट हो चुकी है, अब हम दूसरी साइड को फिट करेंगे। अच्छा, दूसरी साइड को फिट करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो मेन साइड है ना, जहाँ पर माइक होता है, इस साइज की फिटिंग है हमने बहुत बगौर तरीके से करनी है। इसके लिए देखें, ये तो आ गया हमारे इस साइड के स्पीकर के कनेक्शन, ये दोनों माइक के कनेक्शन आ गए, और दूसरा स्पीकर हमारा यहाँ है। अच्छा भैया, इसे यहाँ कर लो, इसे यहाँ कर लो, हर चीज हटा लो। यहाँ आ जाता है अब हमारा मेन काम। मेन काम हमारा ये है कि हमारी ये केबल कितनी प्रॉपर है, कितनी प्रॉपर है, आया कि इसके सारे कनेक्शन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो चलें देखते हैं। गाइस, तो ये है मेन टर्न। यहाँ पर ना मेन मेन पूरी वीडियो का मैं कहता हूँ ये सबसे मेन पार्ट है।
तो यहाँ पे हमने चेक करना है अपनी इस केबल को। ज़्यादातर जो हेडफोन्स हमारे ख़राब होते हैं वो इस केबल की वजह से ख़राब होते हैं। तो इस केबल को चेक करने के लिए देखें, बहुत आसान तरीका है इसकी। देखें, 1 2 3 तीन पोर्स हैं। वन टू एंड थ्री। तो जैसे कि ये आपका एक स्पीकर आ गया और ये आपका दूसरा स्पीकर आ गया। इनमें ये वाली जो है ना, ये तो ये जो ये वाला पोर्शन है सबसे नीचे वाला, ये स्पीकर की कॉमन ग्राउंड हो जाएगी। एक लेफ्ट होगी और एक राइट होगी। तो इन तीन की मदद से आपके स्पीकर के कनेक्शंस हो जाएंगे। मैं डायग्राम में शो करा दूंगा। एंड ये जो तीन पोर्स हैं, इसमें सिर्फ दो काम की हैं और एक एक्स्ट्रा है। तो माइक के दो कनेक्शन निकलेंगे और स्पीकर के तीन कनेक्शंस निकलेंगे। मैंने बता दिए किस तरह से, यार डायग्राम भी शो करा दूंगा और इसी से आपको सब समझ में आएगा। तो गाइस, करना ये है, अब सबसे पहले हम अपनी केबल को करेंगे चेक कि हमारी तमाम पॉइंट वर्किंग कंडीशन में भी हैं या कोई पॉइंट हमारा खराब हो चुका है। क्योंकि अगर केबल अगर खराब होगी ना, तो हमारी कोई ना कोई चीज मिसिंग करेगी। ये देखें, केबल्स बड़े वायर बारे बारीक बारीक से होते हैं। तो आइए चलें, पहले चेक करते हैं मीटर को। कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे हम पहले। तो ओहो, कहाँ गया मीटर? मीटर ही खो गया आज तो। चलो भाई मीटर, आ जाओ। और सबसे पहले यहाँ रख कर हम चेक कर लेते हैं हमारी ग्राउंड कौन सी। ये देखें, सबसे नीचे वाली ग्राउंड होती है, ये स्पीकर की दोनों पोर्शंस में लगेगी। दोनों स्पीकर्स के एक एक पोर्शन में लगेगी, किसी में भी आप लगा दें। वैसे माइनस का जो पोर्शन होता है ना, वैसे जो माइनस का पोर्शन होता है वहाँ लगेगी। तो कॉमन ग्राउंड ये है, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट। ये हमने रखा यहाँ। आहो, कॉमन ग्राउंड आ गई हमारी, शायद ये हो। अरे नो 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 नो, ये नहीं है। अच्छा, तो गाइस यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले जो हेडफोन के स्पीकर्स के जो पॉइंट है ना, ये किसी से भी टचिंग कंटिन्यूटी नहीं बता रहे ना। ये देखिए, ग्राउंड पे मैंने लगा दिए पहले, तो ये ग्राउंड किसी पे भी नहीं बता रहा मुझे। किसी एक को तो बताना चाहिए ना इसे। ये ग्राउंड पे बहुत ज़बरदस्ती इसने बताया। अभी देखें, अभी गायब पड़ेगा। गायब हो गया, मतलब प्रॉब्लम कर रहा है। और फिर हम चेक करते हैं। देखें गाइस, थोड़ा टेढ़ा करेंगे से। ये देखें,
गाइस मैंने लीड को थोड़ा सा मोड़ा हुआ अंदर की तरफ से, ये देखें, तब जाके ना ये कंटिन्यूटी बता रहा है, अदरवाइज ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा। अभी फिर लीड को मोड़ा, नहीं भाई ये लीड को मोड़ने से ही आ रही है, उसके अलावा नहीं आ रही। तो यहाँ से जब हम लीड को यूं फोल्ड कर रहे हैं ना, तब ये हमारे पॉइंट्स में कंटिन्यूटी बता रहा है। तो गाइस इसमें तीन वायर्स हैं, मैंने टेढ़ा मेढ़ा करके चेक कर लिया कि वो तीन वायर्स इसकी हैं, बाकी माइक की दो वायर्स जो थी ना वो अलग ही मैंने कर ली है। ये हैं दो माइक की वायर, माइक की वायर डायरेक्ट माइक की वायर में लग जाएंगी। देखें गौर से नज़र आ रहा होगा आपको, एक रेड है एंड ये वाली रेड है मेरी, एंड ये वाली ग्राउंड है। ये एज इट इज माइक की ग्राउंड और रेड वहां लग जाएगी। माइक की जो रेड होती है ना वो पॉजिटिव इन दोनों में लगी होती है, तो इसमें भी लगी होगी और इसमें भी लगी होगी। और जो ग्राउंड होती है वो ग्राउंड यहाँ पे लगी, ग्राउंड मैंने आपको बताया था वो जो माइक की ग्राउंड जो उसकी बॉडी के साथ शॉर्ट होती है वो ग्राउंड होती है, कि ग्राउंड यहाँ से जाएगी और सीधी जाके उसमें मैंने कनेक्ट कर देनी है। और उसकी पिन ग्राउंड की ये रही, और दूसरी जो पिन है यहाँ की पॉजिटिव की वो यहाँ से सीधी जाएगी और यहाँ पर आएगी, और मैंने इसकी पॉजिटिव में कनेक्ट कर दी। ये दोनों पॉइंट पॉजिटिव ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ तक क्लियर है माइक के कनेक्शन कौन से होते हैं। बाकी यहाँ से हमारी केबल ख़राब है, इस केबल को अभी हम काट के रिपेयर कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, इसे यहाँ से क्लास की मदद से या कटर की मदद से काटें और शॉर्ट कर लेते हैं। अलग कर लें, इसके चारों तरफ ग्लू लगा लें ताकि ये ना पक्का हो जाए। अब हम इसे चेक करेंगे यहाँ तक कि ये सही कनेक्ट हुआ हुआ है, कि ये सही कनेक्ट हुआ हुआ भी है कि नहीं। मीटर को वापस कंटिन्यूटी पे रखेंगे, वायर को यहाँ से टच करके यहाँ तक चेक करेंगे कि ये आगे ग्राउंड, ग्राउंड किसी और के साथ शॉर्ट तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये आ गई ग्रीन, ग्रीन दूसरे पे लगाइए ना, हाँ ये आ गई ग्रीन, ग्रीन सेकंड पे लगा के चेक कर लें, ग्रीन वाली नहीं आ रही। ब्लू वाली लगाइए, ब्लू वाली लगाइए, सेकंड पे ब्लू लगाई है हमने, और यहाँ उस पर ग्रीन लगाइए। तो ये दोनों कहीं भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा सही से कनेक्ट हो गया। अब हम जाएंगे इस तरफ, ये आ गया केबल, तो हमने देख ली किस तरह से बना दी है, केबल हमारी तैयार हो, डैमेज भी नहीं है, बस सिर्फ उसके जो मेन कनेक्टर था, मतलब जो इसकी स्टीरियो पिन थी, स्टीरियो जो पिन थी इसके अंदर से कनेक्शन टूटे हुए थे। हम इसे ग्लू की मदद से या किसी भी चीज़ से सोल्ड कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, ताकि ये ना बार बार निकले। तो ये
से मैं थोड़ी सी हवा लगाता हूँ। अच्छा तो गाइस केबिल का काम तो हमारा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, अब हम करेंगे आगे का काम। आगे काम करने के लिए हमें चाहिए हमारा हेडफोन जो हमने पहले से फिट करा हुआ था, और इसमें ये देखें ये आ गया हमारा हेडफोन, और इसके अंदर हमारा एक स्पीकर तो आ गया भाई, ये स्पीकर। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं अभी यहाँ पर। माइक के कनेक्शन तो हम माइक के साथ जोड़ देंगे डायरेक्टली, माइक की ग्राउंड माइक के साथ और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ। तो माइक के दो कनेक्शन हमने देख लिए थे, माइक के दो कनेक्शन हमारे आ रहे थे, यहाँ से ग्राउंड आ रही थी और इन दोनों में पॉजिटिव आ रही थी। तो माइक को हम ग्राउंड ग्राउंड कर देंगे, माइक के ग्राउंड के साथ और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ माइक का कनेक्शन हमारा हो जाएगा। तो माइक को पहले जोड़ लेते हैं, आगे की हमारी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। इस कनेक्टर को हम यहाँ हटा देते हैं। अच्छा यहाँ हमने सोल्डरिंग का बहुत ध्यान रखना है, सोल्डरिंग पक्की होनी चाहिए ताकि अगर भी फिटिंग करने टाइम में अगर लूज हो गया ना तो ये हमारा काम खराब कर सकती है। तो बेहतर ये है कि आप बड़े ध्यान से इसे सोल्ड करें। दोनों वायरों को पहले खींच के चेक कर लें सोल्डिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही, और दूसरा वाला भी एज इट इज सोल्ड कर दें। होल्ड हो गया, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें टेप लगाना पड़ेगा ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। ये देखिए माइक के कनेक्शंस ग्राउंड ग्राउंड के साथ और माइक की प्लस प्लस के साथ जुड़ गई। अच्छा अब ये आ जाती है हमारे पास, ये दो कनेक्शन है दूसरे वाले इस वाले स्पीकर के, इसमें एक रेड है और एक गोल्डन है। जो गोल्डन है ना वो इस वाले के साथ, गोल्डन वाले ये हमारी ग्राउंड थी जो जो के ग्राउंड जो है ना वो इस वाले स्पीकर की और इस वाले स्पीकर की सबकी और इस वाली पिन की जो यहां से आ रही है बिल्कुल कोने से नीचे वाले कोने से, इन तीनों को कॉमनली हमने आपस में ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद हल्का सा सोल्ड कर लेना है, कहाँ गया सोल्डिंग वाला, कट कर लें थोड़ा सा कट कर लें तो आसान हो जाएगा। सोल्ड करने के बाद इसको स्पीकर में डायरेक्टली कनेक्ट कर दें, और स्पीकर देखें प्लास्टिक का है, बहुत ध्यान से फौरन आपने आयरन आपका हीट होना चाहिए। ये आपका सोल्ड हो गया, और कोई सी भी एक पॉजिटिव उठाएं
वैसे लेफ्ट और राइट की पॉजिटिव और नेगेटिव हमें आपको डायग्राम में शो करा दूंगा, लेफ्ट पिन कौन सी होती है और राइट पिन कौन सी होती है। इसमें देखिए, इसमें लेफ्ट और राइट पिन जो होती है ना उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये जो ऊपर वाली दो पोल्स हैं इनमें लेफ्ट और राइट का आपने ध्यान रखना पड़ेगा। और उसी तरह से आपने लेफ्ट वाली लेफ्ट स्पीकर में कनेक्ट कर दी है, राइट वाली राइट, कंटिन्यूटी पे आप मीटर सेट करके चेक कर सकते हैं। और ये जो स्पीकर की ग्राउंड पर, तो ये जो यहाँ से आ रही है एक पॉजिटिव, वो हम इसमें लगा देंगे स्पीकर में जो लीड में से आ रही है। वापस वही ध्यान रखना है, सोल्डिंग करते वक्त फौरन आयरन लगा के फौरन हटाना है और सोल्ड भी पक्का होना चाहिए। अच्छा, जो आखिरी वाली पॉजिटिव हमारी बचेगी ना उसे हमने सोल्ड कर देना है इस वाले स्पीकर की पॉजिटिव के साथ। तो ये भी सोल्ड हो जाएगी और इस तरह हमारे कनेक्शन आखिरी मुकम्मल हो जाएंगे और दोनों चीजें वर्किंग करना शुरू कर देंगे। लिहाजा हमने करना ये है, पहले तो मैं लगाऊंगा इसको, ये लग गई, मैंने इस पे टेप लगा देना थोड़ा सा ताकि ये पहले वाले स्पीकर की पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव के साथ शॉर्ट ना हो। इस वाले स्पीकर की पॉजिटिव जो है ना उसके ऊपर टेप लगा देना। गाइज ये हमारा काम यहाँ तक हो गया मुकम्मल। मुकम्मल करने के बाद हमने इस देखें, अब ये सारे के सारे कनेक्शन हमारे हो चुके हैं, कुछ भी नहीं रह गया। अब स्पीकर्स हमने पहले ही चेक कर लिए थे, बाकी सारी चीज़ें हमारी कनेक्टेड थी, अब हमने इसको इसके अंदर डालना है। तो गाइस इसको बड़े तरीके से फिट करें, ये देखें मैंने फिट किया है। इधर देखें ये गिठान जो है ना, ये वाली गिठान ये इसके अंदर ही रहेगी और ये इसको बहुत तरीके से अंदर की तरफ बिठा लें और ये कोशिश करें आपकी ये जो है ना पेपर भी अंदर चली जाए। वायर हम कोशिश करेंगे थोड़ी लंबी रहे तो इसके लिए हम इसे थोड़ा सा यहाँ तक इसे खींच लेंगे, यहाँ से इसको अंदर कर देंगे, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हेल्प डाल देंगे ताकि ये फिक्स रहे इसके साथ, खींचे ना। क्योंकि जब हम हेडफोन पे बात कर रहे होते हैं तो हम ना इधर जा रहे होते हैं उधर जा रहे होते हैं, कभी मुंह उस तरफ कर रहे होते हैं, फेस चेंज कर रहे होते हैं अपना, तो फेस की डायरेक्शन चेंज करने की वजह से कभी कभी यहाँ की वायर खींच जाती है। तो हमने यहाँ से थोड़ी सी एल्फी लेके इसको यहाँ पे मजबूत कर लेना है। तो दोस्तों आफ्टर फिटिंग हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, मतलब हमारा हेडफोन सेट पूरा सेट है, माइक भी इंशाल्लाह वर्किंग करेगा। तो हम इसे अब टेस्टिंग का टाइम आ गया तो टेस्ट करके आपको दिखा दें, वरना आपको यकीन कैसे आएगा कि हमने पूरा सेट कर लिया। तो इसे उठा लिया,
तो दोस्तों हेडफोन हमारा पूरा का पूरा सेट हो गया है। अब हेडफोन को हमारा कनेक्ट करने का टाइम आ गया है। कनेक्ट करने के लिए हमने इसे उठा के पीसी के करीब लेके जाना है। दोनों लीडों को अपने हाथ में ले लेना है। ये आगे हमारे पास दोनों लीड हैं। अब इन दोनों लीडों को हमने लगा देना है इस पीसी के अंदर। पीसी के अंदर से हमने पहले माइक निकाली, तो मेरा ये माइक वर्किंग करना छोड़ देगा। ये देखें, पहले पुराना माइक लगा हुआ है। इस माइक को मैंने स्पीकर भी कनेक्ट कर दिया। तो ये देखें, दोनों चीजें कनेक्ट हो चुकी हैं। करीब से दिखाता हूँ, थोड़ा वीडियो मेरी छोटी है। तो ये दोनों चीजें कनेक्ट हो गई हैं। कनेक्ट होने के बाद ये पीसी में मुझे दिखा रहे हैं कि भाई मैंने ये चीजें कनेक्ट कर दी हैं। और अब मैं आपको कुछ प्ले करके दिखाता हूँ। तो पहले तो मेरा ये वाला माइक काम कर रहा होगा। अब ये वाला माइक काम कर रहा है, मैं इसी माइक को पकड़ा हूँ। ये देखें, अब इस माइक को माइक मेरा ये वाला कनेक्ट हो गया है। अब मैं इससे ही बात करूंगा आपसे, और मैं वॉइस भी आपको चेक कराता हूँ स्पीकर के ऊपर। इससे मैं तो गाइस, माइक तो कनेक्ट हो गया हमारा। अब माइक कनेक्ट करने के साथ साथ हमने आपको स्पीकर भी चेक कराने हैं, ये वाले स्पीकर। तो स्पीकर हम लगाते हैं वापस से। स्पीकर हमने ये देखें, ये लीड है इसकी, ये हमने कनेक्ट कर दी इसके अंदर। कनेक्ट करने के बाद अब हम आपको कोई वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। यहाँ पे एक वीडियो पड़ी हुई है, इस वीडियो पे मैंने क्लिक किया, वीडियो प्ले हो गई। अब मेरा वॉइस आना शुरू हो गई है हेडफोन में। तो मैं वॉइस को इस माइक को ये अंदर आवाज़ आ रही है आपको, मेरी आवाज़ तो आ रही होगी ना। ये देखें, ये मैं बोल रहा हूँ। तो गाइस ये देखें, ये हमारा स्पीकर भी तो दोस्तों मेरी डे वन से यही कोशिश है कि मैं आपकी चीज़ें आपके यहाँ से खुद तैयार करवा दूँ। हमने यहाँ कुछ नहीं डाला, सारी चीज़ें हमने अपनी इस्तेमाल करी हैं, कुछ भी हमने ख़रीदा नहीं है। तो गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लोगों का बहुत ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और चैनल को सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।